हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे पोयम द बटरफ्लाई, और जो कि लिखी गई है अरुण कोलातकर के द्वारा। और इसके पहले हम लोग ने द प्रीस्ट सन्स डिस्कस की थी, जो कि अरुण कोलातकर के द्वारा ही लिखी गई है। तो उस पोयम का ये सीक्वल मान सकते हैं। तो इस पोयम में हम लोग एक्चुअली हम लोग क्या जानने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम लोग इसमें माइथोलॉजी और नेचर के बीच में जो डिफरेंस है, या फिर माइथोलॉजी और नेचर के बीच में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। माइथोलॉजी जो कि कहानियों पे बेस होती है, और उनकी जो कहानियाँ होती हैं उन पर वो बेस होती है, जो पुरानी कहानियाँ होती हैं जिनको लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब लोग बताते जाते हैं और लोग उन पर बिलीव करते हैं। और नेचर जो कि हमारे साथ हमेशा रहता है, तो जो माइथोलॉजी होता है वो एक्चुअली में कि जो कहानियाँ होती हैं, माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती हैं, वो क्या होता है कि टाइम के साथ उस वो धीरे धीरे उन पर विश्वास कम होता जाता है, और मे भी ऐसा होता है कि कुछ समय के बाद उस पर विश्वास करना लोग बंद कर देते हैं। मगर जो नेचर होता है उस पर हमेशा लोगों का बिलीव बना रहता है, वो हमेशा उन लोगों के सामने रहता है। हम लोग जो देखते हैं वो हमारे सामने ज़िंदा चीज़, उसको हम लोग बिलीव ऐसा नहीं कह सकते, कर नहीं सकते, वो बिलीव करने की लिए अपील करता है हमसे, वो बहुत ही डिमांडिंग रहता है कि हाँ ये चीज़ हो रही है सामने। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है माइथोलॉजी और नेचर के बीच में ये पोएम हमें। तो पोएम बहुत ही छोटी सी है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पोएट कहते हैं, देयर इज़ अ नो स्टोरी बिहाइंड इट, इट इज़ स्प्लिट लाइक अ सेकेंड, इट हिंग्स अराउंड इट सेल्फ। ये बटरफ्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि देयर इज़ अ नो स्टोरी बिहाइंड इट, कहते हैं इस बटरफ्लाई के पीछे कोई कहानी नहीं है। वो फिर से आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, कहते हैं कि देयर इज़ अ नो स्टोरी बिहाइंड इट, कि इस बटरफ्लाई के पीछे कोई कहानी नहीं है, जैसा कि इन हिल्स के पीछे कोई कहानी है, इन माउंटेन्स के पीछे, ये हिल्स के पीछे कोई कहानी है, माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, जैसा कि हम लोग ने पीछे पढ़ा था खानदोबा वाले कि खानदोबा ने इन 5 हिल्स को, जो 5 डेमन्स थे उनको किल किया। तो ऐसी कोई कहानी इस बटरफ्लाई के पीछे नहीं है, देयर इज़ अ नो स्टोरी बिहाइंड इट, इट इज़ स्प्लिट लाइक अ सेकेंड। और ये अपने हर क्षण को, यानी सेकेंड हर स्प्लिट लाइक अ सेकेंड, हर क्षण को, हर मिनट को, मिनट के हर पल को वो अपने जी रही है, ठीक है, प्रेजेंट में जी रही है, कोई पास्ट में नहीं जी रही है, जैसा कि वो इन हिल्स के साथ था। इट हिंग्स अराउंड इट सेल्फ, इट हिंग्स अराउंड इट सेल्फ कहने का मतलब है कि वो अपनी बॉडी के ऊपर ही दो पर, उसके जो विंग्स होते हैं वो लटके हुए हैं दो तरफ, तो वो इट हिंग्स अराउंड इट सेल्फ। It has a no future, it is pinned down to no past, it's spun on the present. इसका कोई future नहीं है। Poet कहता है कि इस butterfly का क्यों कोई future नहीं है, maybe poet की नज़र में उस butterfly का कोई future नहीं है, ठीक है। It is pinned down to no past, वो अपने past को लेकर बैठी नहीं है, वो अपने present में जी रही है। तो butterfly का कोई future नहीं है poet के according, और वो अपने past से क्या कहते हैं लेकर उसको बैठी नहीं हुई है, पास्ट पर निर्भर नहीं है ज़्यादा, पास्ट को ज़्यादा सोच नहीं रही है, बस वो अपने प्रेजेंट में जी रही है, जैसा कि इस पिछले हम लोग पढ़ा, हम लोगों ने हिल्स के बारे में पढ़ा, उसको उसके पास्ट की वजह से ही जाना जा रहा है। मगर ऐसा बटरफ्लाई के साथ नहीं है। बटरफ्लाई क्या है, वो अपने प्रेजेंट के में जी रही है, और अपने प्रेजेंट की वजह से ही देखी जा रही है, देखते हैं हम लोग उसको प्रेजेंट में देखते हैं, और उसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें वो अपने प्रेजेंट की वजह से अच्छी लग रही है। इट है, इट्स अ लिटिल येलो बटरफ्लाई, इट हैज टेकन दीज रिचेस्ट हिल्स अंडर इट्स विंग्स। वो एक छोटी सी येलो कलर की बटरफ्लाई है जिसने विशाल पहाड़ों को, ये विशाल हिल्स हैं, जो बड़े बड़े हिल्स हैं, उनको अपने विंग्स, दो छोटे विंग्स के नीचे ले लिया है। ये पोएट कहते हैं, जस्ट अ पिंच ऑफ येलो, इट्स ओपन बिफोर इट क्लोज, एंड इट क्लोज बिफोर इट ओ Where is it? तो कहते हैं कि वो बहुत छोटी सी, छोटा सा चुटकी भर पिंच ऑफ येलो कलर है उसके अंदर, और उसके जो पर है उसके अंदर, और वो जो पर है वो खुलने से पहले बंद हो जाते हैं और बंद होने से पहले खुल जाते हैं, और वो प्रेजेंट में जी रही है। Where is it? वो प्रेजेंट में जी रही है, और ये आखिर में पूछते हैं कि वो कहाँ है वो। इसके बाद ये पोएम एंड हो जाती है। तो इस पोएम में टोटली इसी चीज़ पर पोएट ने जोर दिया है कि किस तरीके से हिल्स जो हैं, इन्हें हिल्स की स्टोरी जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज पर डिपेंड होती है, और सीधे से कहने की बात यही है कि जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती हैं वो अपना इंटरेस्ट
टाइम के साथ खोती हैं, मगर जो नेचर है वो अपना इंटरेस्ट कभी खोता नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट बनाए रखता है। तो जो नेचर है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, और माइथोलॉजिकल स्टोरीज उतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं है। और जो ये बटरफ्लाई है उसकी लाइफ फार ग्रेटर है इस लाइफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ हिल्स, जो ये हिस्ट्री की जो लाइफ लाइफ हिस्ट्री है जो हिल्स की, उससे ज़्यादा इस बटरफ्लाई की जो लिविंग क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छी है। सो आई होप आपको ये समझ आई होगी पोएम, और समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।